नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हाउ टू मेक डिस्काउंट एंट्रीज, कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है और डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि परचेज अकाउंट ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और ऐसे कंडीशन में हमारा इंश्योरेंस है या नहीं है तो क्या एंट्रीज होती है। तो आज पूरा हम डिटेल कि परचेज अकाउंट क्रेडिट कब होता है। ये देखिए कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट होने की बजाय क्रेडिट होता है, तो ये कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए मेन जो इसकी कंडीशन है, पहला है कि गुड्स हमने किसी को चैरिटी में दिया हो, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। मान लीजिए किसी की मेडिकल की शॉप है और उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 500 रुपए की दवाइयां चैरिटी में दे दी, यानी कि डोनेट कर दी। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या अकाउंट इफेक्ट होगा। तो हमने चैरिटी में दिया है तो चैरिटी हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो एक तो चैरिटी अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा हमने अपने बिजनेस का गुड्स चैरिटी में दिया है। कौन सा गुड्स? जो हमने पहले कभी परचेज किया था, तो हमारा जो परचेज गुड्स है वो कम हो गया, बिजनेस से चले गया, इसलिए परचेज अकाउंट जो है यहां पर आएगा, इफेक्ट होगा। तो दूसरा अकाउंट परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्यों इफेक्ट हुआ? क्योंकि हमारा जो परचेज गुड्स है वो गुड्स हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा चैरिटी। ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। चैरिटी अकाउंट बिजनेस का एक्सपेंसेस होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट में डाल दिए। और परचेज हमारा गुड्स का अकाउंट है और गुड्स वाले अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो यहां पर चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट ऑट कम्स इन, क्रेडिट ऑट गोस आउट। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने चैरिटी में दे दिया, तो यहां पर क्रेडिट ऑट गोस आउट। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा इसका 500 जितना हमने गुड्स चैरिटी में दिया है। यदि डेट दिया हो तो यहां पर डेट का पाऊ तो इसमें डेट आ जाएगा, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट, और भी कुछ ऐसे रीजन है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ये पहला हमने बताया आपको चैरिटी, सेकेंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ रुपीज 1000। हमने 1000 रुपए का अपना गुड्स फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये फ्री सैंपल क्यों देते हैं? फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, क्योंकि कोई भी अपना फ्री में गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, कुछ छोटे छोटे पाउच बनाकर, जैसे कोई शैम्पू कंपनी है उसने अपने छोटे छोटे पाउच फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं फ्री सैंपल। इसमें भी हमारा गुड्स जा रहा है, तो यहां पर भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, फ्री सैंपल अकाउंट या उसको हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट। कई लोग इसको फ्री सैंपल अकाउंट के नाम से लिखते हैं,
कि इसको एडवर्टीजमेंट, वैसे तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट ही हुआ क्योंकि हम फ्री क्यों बांट रहे हैं गुड सैंपल के रूप में फॉर एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिखना ज्यादा बेटर है। तो हमारा एक अकाउंट इफेक्ट होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा गुड्स के लिए परचेज अकाउंट। अमाउंट 1000 है एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल अकाउंट। परचेज रियल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कि ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो डेबिट और गेन है तो क्रेडिट, तो यहां पर एडवर्टीजमेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है इसको हम डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट और कम्स इन क्रेडिट और गोस आउट, तो गुड्स जा रहा है हमारे पास से तो यहां परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पर दो अकाउंट आपके इफेक्ट हुए, एक एडवर्टीजमेंट और दूसरा परचेज। इसके ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका पहले डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट अमाउंट फ्री सैंपल की 1000। इसका नरेशन हो जाएगा बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो अभी हम आपको परचेज रिलेटेड की परचेज अकाउंट का क्रेडिट होता है और देखते हैं हम इसकी एंट्री नेक्स्ट कि कई बार हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। कि बिजनेस मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 600। बिजनेस में प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर के यूज के लिए अपने बिजनेस का गुड्स विड्रॉ किया। तो यहां भी दो अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी कैपिटल होती है और कुछ विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहां पर एक हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा परचेज अकाउंट क्योंकि गुड्स बिजनेस से कम हो रहा है, जो हमने परचेज किया था कभी उसको हम निकाल रहे हैं तो परचेज हमारा गुड्स कम हो रहा है तो इसलिए परचेज अकाउंट। तो ये हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये प्रोपराइटर का अकाउंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है और ये रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रोल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस में बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है तो वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। परचेज अकाउंट गुड्स का अकाउंट है और रियल अकाउंट है ये, डेबिट और कम्स इन क्रेडिट और गोस आउट, तो गुड्स बिजनेस से गया तो ये क्रेडिट हो गया। तो इसका भी जर्नल एंट्री बन जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट अमाउंट 600। ये तो आपका हुआ ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। अब एक मेन एंट्री जो परचेज से रिलेटेड है, लॉस बाय थेफ्ट लॉस बाय फायर। यदि किसी पर्सन ने, आपके एम्प्लॉय ने या किसी चोर ने दुकान से गुड्स चुरा लिया तो उसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, और यदि कभी दुकान में आग लग गई और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर। इसमें हमारा गुड्स का इंश्योरेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन में कैसे क्या होता है। तो अब देखिए कि हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो
तो जिस डेट को गुड्स डिस्टर्ब हुआ या चोरी हुआ तो पहले तो उसकी एंट्री बनेगी। उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो एक होगा हमारा लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, और दूसरा गुड्स हमारा कम हो गया बिजनेस में तो परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा जो परचेज का गुड्स था वो गुड्स चले गया तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। तो दूसरा परचेज अकाउंट। अब यहां पर अपना ट्रांजेक्शन मान लीजिए, हम इसमें ट्रांजेक्शन का नाम दे देते हैं कि हमारा इसमें मान लीजिए 5000 का 5000 रुपए का गुड्स चोरी या लॉस बाय फायर कुछ भी हो गया हो, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर दो में से कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते कि हमारे दुकान में कभी कोई छोटी मोटी आग लग गई और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, 5000 रुपए का लॉस बाय फायर हो गया, तो 5000 का आपका अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा परचेज का भी और लॉस बाय फायर का भी। अब यहां पर लॉस नॉमिनल अकाउंट है और परचेज रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी कि लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट, तो लॉस यहां पर डेबिट हो गया नॉमिनल के रूल के अनुसार, और परचेज रियल अकाउंट गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया या चोरी हो गया तो गुड्स हमारा चले गया उतने का, तो डेबिट और कम सिम क्रेडिट और गुड्स ऑफ या हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे हम, जब भी इंश्योरेंस हो या मत हो सबसे पहले तो आपको यही एंट्री हमेशा बनानी है, चाहे गुड्स का इंश्योरेंस हो या ना हो, सबसे पहले तो यही एंट्री बनाना है कि हमारा इतना का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया लॉस हो गया, तो वो लॉस की एंट्री पहले बनाना ही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो बाद में इंस्पेक्शन करती है, फिर क्लेम एक्सेप्ट करती है, फिर हमको क्लेम पे करती है। तो सबसे पहले तो जिस दिन हमारा लॉस हुआ उस दिन ये एंट्री बन जाएगा। मान लीजिए ये लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और यदि थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट में आपका परचेज अकाउंट ही आएगा, क्रेडिट में परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारा 5000 का चले गया गुड्स आउट। इसका नरेशन हो जाएगा बी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आपका यदि इंश्योरेंस नहीं है तब तो इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके इस गुड्स का इंश्योरेंस था, मान लो आपने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखा है, गुड्स आपका इंश्योर्ड है, गुड्स इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंस्पेक्शन किया कि भाई कितना गुड्स डिस्टर्ब हुआ है, जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा ही क्लेम एक्सेप्ट करे, ज्यादातर तो जितना आपका लॉस होता है उससे कम ही क्लेम एक्सेप्ट होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करके हमको बताई, बाद में इंटीमेशन दीजिए कि भाई आपका क्लेम एक्सेप्ट होता है 5000 के गुड्स का हमने लॉस बताया, लेकिन क्लेम हमारा उन्होंने एक्सेप्ट किया मान लीजिए 3500, क्लेम्स एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ रुपीज 3500, गुड्स डिस्ट्रॉयड 5000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एक्सेप्ट किया है वो 3500 का, तो इससे अब क्या इफेक्ट होगा। आपने तो ऑलरेडी लॉस पूरा डेबिट कर दिया लॉस बाय 5000 कि भाई हमारा लॉस हो गया, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी 3500 आपको क्लेम एक्सेप्ट कर रही है और पे करेगी, लेकिन पहले क्लेम एक्सेप्ट की एंट्री होगी फिर क्लेम्स जो हमको मिलेगा उसकी एंट्री। तो यहां पर कैसे क्या करेंगे हम,
तो अब हमारा लॉस जो 5000 का था वो 3500 से कम हो जाएगा। तो लॉस हमने पूरा डेबिट कर दिया 5000, लेकिन लॉस हमारा 3500 यानी 3500 लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो लॉस हमारा 3500 कम हो गया। तो अब उस लॉस को वापस कम करना है अपनी बुक में, तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? तो ये हमारा लॉस किसके अकाउंट में डाल देंगे? हम इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारे इस लॉस को कवर करेगी। तो वो हमको पैसा देगी क्लेम का, तो वो हमारी डेटर्स हो गई, देनदार हो गई। तो अब हम इस लॉस को कितना, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है उसको हम अपने इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में डाल देंगे और उतना हमारा लॉस कम हो जाएगा। तो उसमें अब हम कैसे एंट्री करेंगे? तो एक तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डिफेक्ट होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम का पैसा देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी का एक अकाउंट डिफेक्ट हुआ। दूसरा लॉस बाय फायर। अभी लॉस बाय फायर अकाउंट क्यों? क्योंकि हमको लॉस कम करना है। हम तो पहले पूरा लॉस डेबिट कर चुके हैं, लेकिन जितना लॉस इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी क्लेम उतना कम करना पड़ेगा। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट और लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है एक इंस्टीट्यूट है, वो यहां पर रिसीवर है। कैसे रिसीवर हुई वो? क्योंकि उसने हमारे क्लेम को एक्सेप्ट किया है, तो वो हमारे लॉस की रिसीवर हो गई, वो हमारी डेटर्स हो गई, क्योंकि बाद में वो पैसा हमको देगी। तो वो अभी हमारे लिए रिसीवर हो गई, वो हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहां पर रूल है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को कवर करेगी, हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है, तो वो हमारे लिए अभी रिसीवर हो गई, और जब वो क्लेम हमको पे करेगी, पैसा देगी, तो गिवर हो जाएगी। तो यहां पर अभी उसका अकाउंट डेबिट हो गया। अब लॉस, तो यहां तो लॉस हमारा कवर हो रहा है, तो ये तो लॉस हमारा वापस कवर हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए गेन हो गया, इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट, और गेन या इनकम हो तो क्रेडिट। तो ये लॉस हमारे लिए यहां पर वापस रिकवर हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसलिए उसको क्रेडिट। और इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। पहले हमने बनाया था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, अब ये लॉस हमारा वापस क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री बन जाएगी इसकी सेकेंड एंट्री। फर्स्ट हमने ये एंट्री बनाया, डेबिट करना है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को, डेबिट करना है टू लॉस बाय फायर अकाउंट 3500। बीइंग, इसका नरेशन होगा बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अभी उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो यहां पर 3500 हमारा लॉस जो डेबिट हुआ था वापस क्रेडिट हो गया। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1500 रुपए जो बचा उसका क्या करें। तो भाई हमने तो ऑलरेडी लॉस पूरा ही डेबिट कर दिया था, अब जितना इंश्योरेंस कंपनी लॉस कवर करिए बस उतना क्रेडिट कर दो, बाकी का 1500 रुपए लॉस ऑलरेडी डेबिट बचेगा आपका, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो आप ऑलरेडी पहले डेबिट कर चुके हैं पूरा का पूरा। यदि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती तो आप वापस तो थोड़ी एंट्री बनाते 5000 की, वो तो ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हो, बस जितना क्लेम एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री हमने बना दी। अब इंश्योरेंस कंपनी जब हमको क्लेम्स पे करेंगे, पहले गुड्स डिस्टर्ब हुआ, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे करके हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो हमको पे करती है क्लेम का पैसा चेक से या कैश, तो उसका एंट्री क्या होगा? जब हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है तब क्या एंट्री होगा? और जनरली ये चेक से मिलता है, तो चेक से मिलेगा तो बैंक अकाउंट, और कैश में मिलेगा तो कैश अकाउंट, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, अमाउंट वही रहेगा जितने का उसने क्लेम एक्सेप्ट किया था।
अब यहां पर बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी ये भी इंस्टीट्यूट है, पर्सनल अकाउंट है। ये सब हमने अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, सेकेंड वीडियो में पढ़ा था पूरे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको चेक दे रही है और वो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक रिसीवर इंश्योरेंस कंपनी गिवर, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी चेक दे रही है वो हमने क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को। अब इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा, डेबिट हमको करना है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। पहले हमने इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट किया था जब क्लेम एक्सेप्ट किए थे, और अब वो क्लेम हमको दे रही है तो गिवर है तो हमने क्रेडिट कर दिया। क्लेम की अमाउंट जो हमको रिसीव हो रही है 3500, और यदि हमको क्लेम कैश में मिलता है, कभी कभी छोटा अमाउंट रहता है तो कैश में भी मिल जाता है, तो यहां पर बैंक की जगह कैश अकाउंट आ जाता, कैश हमारे पास आता है डेबिट, तो यहां पर बैंक की जगह कैश अकाउंट हो जाता। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो अब आपने देखा कि जब हमारा कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड या अफेक्ट हो तो सबसे पहले उसके लॉस की एंट्री, और यदि इंश्योरेंस नहीं है तो बस एक ही एंट्री बनेगा जो हमने फर्स्ट एंट्री लॉस का बनाया, और यदि इंश्योरेंस है तो फिर सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस के क्लेम को एक्सेप्ट करने की, वो तब बनेगी जब इंश्योरेंस कंपनी हमको इंटीमेशन देगी कि भाई हमने आपका इतना क्लेम एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद जब क्लेम रिसीव होगा तो क्लेम रिसीव की एंट्री। तो ये हमने आज आपको परचेज से रिलेटेड कि परचेज अकाउंट कैसे क्रेडिट होता है, और दूसरा हमने आपको बताया कि हमारे गुड्स का इंश्योरेंस हो तो क्या एंट्री बनेगा। अब मैं आपको एक एंट्री और कवर करा देता हूं इसके साथ साथ कि हम बिजनेस में एसेट्स यूज करते हैं, हम बिजनेस में एसेट्स यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, मशीन वगैरह, तो ये सब यूज करते हैं, तो इनका कंटिन्यू यूज करने से इनकी वैल्यू रिड्यूस होते रहती है, और इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसी रिड्यूसिंग वैल्यू को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो गया यूज करने के कारण। तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या एंट्री होता है वो एंट्री हम आपको आज समझाते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा जब भी हम किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट होगा जब भी हम किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और दूसरा उस एसेट्स का नाम जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, चाहे मोटर कार हो, मोटर व्हीकल हो, या फर्नीचर हो, या मशीन हो, या लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी एसेट्स है उसका नाम आ जाएगा एसेट्स का। तो दूसरा अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जिस एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एसेट्स का नाम लिखेंगे जब हमको नाम मालूम रहेगा। अभी तो हमने यहां एसेट अकाउंट लिख दिया, डेप्रिसिएशन नॉमिनल, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, हमारी एसेट्स उतने से कम हो गई, रिड्यूस हो गई, हमको लॉस हुआ इतना, और एसेट्स रियल अकाउंट। तो एसेट्स की वैल्यू कम होने से, डेप्रिशिएट होने से ये हमारा बिजनेस का उतना लॉस है, खर्चा है, और दूसरा रियल अकाउंट है एसेट्स। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां पर डेप्रिशिएशन हमारे लिए लॉस है, डेबिट होगा। एसेट्स रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट्स हमारी उतनी कम हो गई
डेप्रिशिएट होने से एसेट्स का वैल्यू उतना कम हो गया, तो हम ये मानेंगे कि उतना एसेट्स हमारा कम हो गया, गया तो क्रेडिट का गोस अप। इसका एंट्री हम बनाएंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट जैसे फर्नीचर है तो टू फर्नीचर अकाउंट, मशीन है तो टू मशीन अकाउंट नाम आ जाएगा। बी डेप्रिशिएशन चार्ज, मान लिया आपकी एसेट्स 1 लाख रुपीज की है और 1 लाख में आप 10% मान लीजिए डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, तो 1 लाख का 10% डेप्रिशिएशन होता है रुपीज 10,000, तो 10,000 यहां पे अमाउंट पुट कर देंगे। तो आज हमने कुछ मेन एंट्रीज देखा, अब हम अगले अपने वीडियो में कुछ एंट्री एक्रूड प्रीपेड आउटस्टैंडिंग और अदर। कई बार स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्रूड ये सब कब डेबिट क्रेडिट होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा दिमाग घूम जाता है। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो स्पेशली इन्हीं से रिलेटेड होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा और आप इस नॉलेज को आगे भी बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।